गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का 8th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, अर्थात संक्रमण तत्वों का उत्प्रेरकीय गुण। ठीक है बेटा, या डी ब्लॉक के तत्वों का उत्प्रेरकीय गुण, यानी कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, डी ब्लॉक के तत्वों का उत्प्रेरक गुण। ठीक है बेटा, यह होगा आपका आज का टॉपिक। अच्छा बेटा, हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ाया था? जो कल वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जनरल कैरेक्टर कौन सा वाला डिस्कस किया था बेटा? बताइए जरा आप, कौन सा हमने जनरल कैरेक्टर डिस्कस किया था? तो बेटा जी कल आपको बता दें, हम कल वाले लेक्चर में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जटिल यौगिक बनाना, यह वाला जनरल कैरेक्टर डिस्कस किया था। ठीक है, हमने बेटा जी बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड बनाकर दिखाए थे। आज का हमारा टॉपिक होगा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, उत्प्रेरकीय गुण। तो बेटा जी आपने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में यह देखा होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा? यह ऑब्जर्व किया होगा कि हमने, यदि हम हाइड्रोजिनेशन करें, रिडक्शन करें या किसी कंपाउंड को बनाएं, तो उनमें जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, अर्थात उत्प्रेरक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है बेटा, एक्ट करते हैं उत्प्रेरक की तरह। तो ऐसा क्या होता है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जो कि वे बहुत सारी केमिकल या बायोकेमिकल, यानी कि रासायनिक या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह बिहेव करते हैं? तो बेटा आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। इसके बेटा जी तीन कारण हैं, एक एक नहीं बेटा, तीन तीन कारण हैं। अब बताओ क्यों ना कैटलिस्ट की तरह बिहेव करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहला कारण होता है बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास, हमने पहले ही बताया था, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। दूसरा कारण होता है बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंस, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। बेटा यह भी हमने बताया था आपको कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जिसे हमने कहा था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब बेटा दो कारण ये हो गए, तीसरा कारण है बेटा ये जटिल यौगिक भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं। ये तो प्रीवियस वाला लेक्चर ही था हमारा। ठीक है बेटा, तो ये तीन कारण हैं, इन तीन कारणों के कारण ही कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है बेटा, सवाल बेटा आपका यह होगा कि कैटलिस्ट ही क्या होता है? कुछ बच्चों को यह नहीं पता कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो बेटा उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ होता है बेटा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए ही उसकी दर को प्रभावित करता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देता है। प्रभावित करने का मतलब बेटा बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जो बढ़ाते हैं उसे धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और जो घटाते हैं उन्हें निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो कैटलिस्ट बेसिकली है क्या, वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बेटा बिना भाग लिए ही उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये हुआ। अब देख ले बेटा, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है, बहुत ही कॉमन गुण है। ठीक है बेटा, तो यहां पे लिखेंगे आप क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स
बहुत सी केमिकल तथा बायोकेमिकल संक्रमण तत्व, बहुत सी रासायनिक तथा बायो रासायनिक अभिक्रियाओं में, रिएक्शंस में क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हमने उदाहरण लिख दिए हैं, जैसे बेटा एक ये उत्प्रेरक है TiCl3, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है Ti, टाइटेनियम है, तो ये TiCl3 बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, जिसका नाम होता है जिगलर नाटक कैटलिस्ट। क्या होता है बेटा, जिगलर नाटक कैटलिस्ट। तो जैसे जिगलर नाटक कैटलिस्ट जो है ये TiCl3, ये क्या काम करता है, ये बेटा पॉलीथीन के निर्माण में बहुत ज्यादा उत्प्रेरक का कार्य करता है। पॉलीथीन नहीं बनेगी यदि जिगलर नाटक कैटलिस्ट न डाले तो हम। ठीक है बेटा, तो जिगलर नाटक कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, पॉलीथीन बनाने में उत्प्रेरक का काम करता है। रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी अगर ये हमने TiCl3 नहीं डाला। तो देखो हमने लिख दिया, अंग्रेजी वाले लिखा है TiCl3 यूज्ड एज जिगलर नाटक कैटलिस्ट। किसकी तरह, जिगलर नाटक कैटलिस्ट की तरह उपयोग किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन के उत्पादन में। ठीक है बेटा, पॉलीथीन का उत्पादन जो करते हैं तो हम जिगलर नाटक कैटलिस्ट की तरह इसे TiCl3 को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जांपल है जैसे B2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। B2O5 इसमें वैनेडियम आ गया, ट्रांजिशन एलिमेंट है। B2O5 जो होता है क्या करता है, कन्वर्ट SO2 इंटू SO3, कन्वर्ट SO2 इंटू SO3, यानी कि ये SO2 को SO3 में बदल देता है। किसमें, इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग H2SO4, इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग H2SO4, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग SO2SO4, मतलब B2O5 का प्रयोग, B2O5 का प्रयोग जो करते हैं हम संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में SO2 को SO3 में ये परिवर्तित करता है। ठीक है, अर्थात B2O5 संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में SO2 को SO3 में परिवर्तित करता है, यह हिंदी हुई। ठीक है बेटा, तीसरा है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। MnO2 ये क्या काम करता है, देखो MnO2 यूज्ड एज कैटलिस्ट। MnO2 का प्रयोग भी की तरह करते हैं, उत्प्रेरक की तरह करते हैं, टू डिकम्पोज, विघटित करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए KClO3 को O2 में। कहने का मतलब MnO2 जो है वो KClO3 को O2 में क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। ठीक है बेटा, अगला चौथा एग्जांपल लिखवाया हमने आयरन। तो आयरन देखा होगा आपने, हेबर प्रक्रम से आपने अमोनिया बनाई थी बेटा, तो उसमें हमने Fe और MO डाला था। Fe कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था और MO कैटलिस्ट प्रमोटर की तरह, उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम कर रहा था, उत्प्रेरक की तरह नहीं। ठीक है बेटा, तो यहां Fe देखो, Fe यूज्ड एज कैटलिस्ट, आयरन का प्रयोग उत्प्रेरक की तरह करते हैं बेटा। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ NH3 के निर्माण में बाय हेबर प्रोसेस, हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के निर्माण में आयरन का उत्प्रेरक की तरह क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देख लो अगला एग्जांपल पांचवा, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इसका यूज क्या करते हैं, देखो फेरिक क्लोराइड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ CCl4 फ्रॉम CH2 एंड Cl2। मतलब फेरिक क्लोराइड का प्रयोग कब करते हैं, जब CH2 तथा Cl2 से हमें क्या बनाना होता है, CCl4, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड तथा क्लोरीन से जब हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना होता है तब हम फेरिक क्लोराइड डालते हैं, अर्थात फेरिक क्लोराइड तब उत्प्रेरक की तरह काम करता है। B
बिहेव करता है। ठीक है बेटा, अगला देख रहे हैं आप पीडी, पैलेडियम। पैलेडियम भी क्या है, बहुत सारे यूज है इसके बेटा, हाइड्रोजनेशन, जैसे क्या हाइड्रोजनीकरण करता है ये, हाइड्रोजनेशन जनरल करना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो पीडी ले लेते हैं। ठीक है बेटा, पैलेडियम, तो देखो पैलेडियम यूज फॉर हाइड्रोजनेशन, इसका उपयोग किसके लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। जैसे बेटा फिनोल का जब हम हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं साइक्लोहेक्सिनोन में, तब पीडी का यूज करते हैं, यानी कि पैलेडियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, अब है नेक्स्ट आपका एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, पीटी या पीटीओ, प्लेटिनम तथा प्लेटिनम का ऑक्साइड। ठीक है बेटा, इनका प्रयोग काय के लिए करते हैं बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है बेटा, ये भी कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, रिडक्शन करने के लिए। ठीक है बेटा, देखो जैसे पीटी या पीटीओ का उपयोग काय के लिए करते हैं, यूज फॉर रिडक्शन, अपचयन करने के लिए करते हैं, और इनका नाम होता है पीटी या पीटीओ का एडम्स कैटलिस्ट, इन्हें क्या कहते हैं, एडम्स उत्प्रेरक कहते हैं, एडम्स कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला एग्जांपल, बहुत सारे देर आ रहे लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, बहुत सारे एग्जांपल हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल हमने आपके लिए लिख दिए, ये आपके 7 एग्जांपल लिखे थे। अब बेटा ये 7 एग्जांपल हमने कॉपी कर लिए, ठीक है, लिख लिए, अब हम इसके कारण लिखते हैं, आखिर ऐसा क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बेटा, जिसके कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से कारण है बेटा ऐसे, जिनके कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या उत्प्रेरक की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कारण कौन से हैं जिनकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। पहला कारण है बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, अंग्रेजी वाले लिखिए प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, हिंदी में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की उपस्थिति, अर्थात बेटा खाली डी ऑर्बिटलों की उपस्थिति। दूसरा कारण है बेटा जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है बेटा, तीसरा कारण है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अर्थात जटिल यौगिकों का निर्माण या जटिल यौगिक बनाना। तीन कारण हैं, खाली डी ऑर्बिटल का उपस्थित होना, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाओं का दर्शाना और जटिल यौगिकों का बनाना। इन्हीं तीन कारणों से कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स उत्प्रेरक की तरह काम या कार्य करता है। ठीक है बेटा, अब कैसे करता है ये हमने लिख दिया है, तो ये नोट कर लीजिए कारण, और पहला कारण देखते हैं। ठीक है, पहला कारण डाल दिया आपने वैकेंट डी ऑर्बिटल की उपस्थिति। ठीक है बेटा, ये हो गया, कॉपी कर लीजिए, ये देखिए आप वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, चलो प्रेजेंस पूरा ले देते हैं, उपस्थिति। ठीक है बेटा, उपस्थिति, तो इसमें कुछ लिख दिया हमने, वो सुनाते हैं आपको पढ़ के। ठीक है बेटा, लिख लीजिएगा आप वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तथा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दोनों कारण इसी में मिला दिया हमने बेटा। ठीक है बेटा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तथा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण ये रिएक्टेंट, ये कौन के कारण बेटा, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तथा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण ये का मतलब यहां पर हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तथा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स अर्थात ये शब्द यूज कर दिया है, ये वर्ड हमने यूज कर दिया
प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है, तो प्रोनाउन ये, ठीक है, तो क्या होता है, देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तथा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट के साथ क्रिया करके, रिएक्टेंट के साथ क्रिया करके अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं, यानी कि अस्थाई एक रिएक्शन मध्यस्थ बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है, जिससे रिएक्टेंट की रेट इंक्रीज हो जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है बेटा, और अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो क्या कर देता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में टूट जाता है, अनस्टेबल जो इंटरमीडिएट था जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट थे वो टूट जाता है, और टूटने के बाद में प्रोडक्ट बन जाता है, टूट गया प्रोडक्ट में, और कैटलिस्ट जो क्या क्यों रह जाता है, टूट जाता है तथा कैटलिस्ट वापस फ्री हो जाता है बेटा रिएक्शन के लिए, वापस रिएक्शन कर सकता है, ठीक है बेटा, हो गया। दूसरा कारण था हमने बताया था क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दूसरा कारण है बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें देखो इनकी बेटा कैटालिटिक एक्टिविटी का दूसरा कारण यह है कि यह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी का दूसरा कारण यह है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, अब सरफेस एरिया बड़ा है तो इनकी सरफेस पर आसानी से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है बेटा, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आसानी से इनकी सरफेस पर अवशोषित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, और बेटा शीघ्र ही, यानी कि इजीली आसानी से या सुनली, शीघ्र ही काय में प्रोडक्ट में टूट जाता है, यानी कि प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और उत्प्रेरक मुक्त हो जाता है फिर रिएक्शन के लिए, ठीक है बेटा। तो यह था आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपने यह देखा कि मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस में एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहे थे या एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहे थे। कारण तीन आए, क्या थे, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इन तीन कारणों से ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स इतने अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर पाए, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू बेटा जी।